आर्टिस्ट हमेशा काम कर रहे हैं, बट हम बहुत से आर्टिस्ट से काम किए हैं, पर हमें जितना अच्छा इनके साथ लगा उतना अच्छा किसी के साथ हमें इंजॉय करने में नहीं लगा। और काम करने में तो हमें बहुत मजा आता है इनके साथ, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय इनके साथ हम काम करें। मैडम की कोई एक अच्छी बात है अगर आप बताना चाहें, वो हमेशा मेमोरी रही आपकी? मैडम हमारी इतनी अच्छी है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी मेरा स्टाफ वाकई बहुत ही अच्छा है, ये लोग मेरी बहुत केयर करते हैं। हम लोग अभी बीटा में भी शूटिंग कर रहे थे और अभी आने वाले दिनों में हम लगातार शूटिंग करने वाले हैं। हम पहले जा रहे हैं पटना की दुल्हनिया फिल्म की शूटिंग के लिए, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गंगा की बेटी के लिए, तो पूरा हम लोगों का आउटडोर शूटिंग होने वाला है। और इतनी गर्मी में मैं सिर्फ इसीलिए रिलैक्स हूँ कि मेरा बहुत अच्छा स्टाफ मेरे साथ होने वाला है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप मैडम को कितना मतलब हेल्प करते हैं रोज इतनी गर्मी में? मैम को साथ मैम को इतना हेल्प चाहता हूँ, मैम जितना अच्छे रहेंगी ना उतना अच्छा मतलब मजा आता है मेरे को। हम लोग इतना अच्छा मतलब कि कितने मतलब उनका इतना मैं ख्याल रखता हूँ उनका, तो और मतलब एनर्जी आती है उनको काम करने को, जो मैं सपोर्ट करता हूँ जब भी, तो मतलब कि सेट पे ठंडा उनको एनी टाइम ठंडा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो कोई। इतना लाइफ में इतना करियर किया, इतनी मूवी किया, अभी मैडम से अच्छा कोई आर्टिस्ट है नहीं। मैडम कभी चिल्लाती क्या? नहीं नहीं नहीं, मस्ती नहीं अभी तक, बिल्कुल नहीं चिल्लाती, मौली मस्ती करते हैं हम लोग साथ में अभी भी। थैंक यू। ये है मेरा स्टाफ एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे स्टाफ को भी मेरे साथ साथ कवर किया, शुक्रिया। थैंक यू। चलो रोलिंग गाइस, सर क्या कहना चाहिए आज एक बार आपने फिर से गुंजन जी? गुंजन तो मेरी फेवरेट है, हम लोग काफ़ी सालों से साथ में काम कर रहे हैं, जब भी उनके लायक कोई अच्छा काम आता है तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बुलाता हूँ, भले वो सीरियल हो या फिल्म हो। तो फिल्म की बात करें तो चंद्रमुखी इस फिल्म में गुंजन जी है? नहीं, गुंजन जी इसमें आइटम कर रही हैं सिर्फ, और काफ़ी अच्छा आइटम था तो मुझे लगा कि यही अच्छा करेंगे इसलिए गुंजन को बुला लिया। फिल्म की कहानी की बात करें, किस तरह की कहानी कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों को? ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है, 400 साल पहले शुरू होती है, 400 साल पहले राजा महाराजाओं के ज़माने पे कहानी शुरू होती है। वहाँ पर एक जो चंद्रमुखी होती है उसे और उसके बॉयफ्रेंड को, विलन जो है राजा है उसका बेटा है और उनका दामाद उनकी बेटी, ये सब लोग मिलके मार देते हैं, अलग कर देते हैं। 400 साल बाद वापस वो इस दुनिया में जन्म लेती है आज के युग में, आज के टाइम में, और उन्हें एहसास होता है लड़की को कि हमारा ऐसा ऐसा हुआ था 400 साल पहले की कहानी, उसे याद आती है, वो लड़के को बोलती है, लड़का मानता नहीं है, उसे प्रूफ करती है कि ऐसा हुआ था। फिर दोनों मिलके चारों को ढूंढते हैं, एक एक विलन को, और एक एक विलन को मारते हैं। सर फिल्म तो कब तक शुरू, ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ट्रेलर तो एक हफ्ते में आ जाएगा, बस आज लास्ट डे है हम लोगों का, और इसके बाद एक हफ्ते में ट्रेलर आ जाएगा और दो ढाई महीने में फिल्म रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा कोई आने वाले प्रोजेक्ट कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों, क्योंकि आप हमेशा से कुछ ना कुछ ज़मीनी हकीकत आप दिखाते हैं हमारे दर्शकों को, गरीबों या एक सच्ची कहानी आप दिखाते, चाहे वो हर कोई फिल्म, हाल ही में हमने देखा राजपाल यादव जी के साथ भी आपने इस तरह की कहानी है और ये भी उसी तरह की कहानी लग रही है, तो ऐसी कौन सी नई कहानी लाने वाले जो देश में झकझोर रख देगी आपकी फिल्म? अभी एक नई कहानी पे काम कर रहा हूँ, शायद मैं 12 तारीख को रिकॉर्डिंग भी शुरू करूँगा, मुहूर्त भी कर रहा हूँ फिल्म का। वो कहानी भी बड़ी डिफरेंट है, उसमें भी दिखाया कि एक लड़की है उसे वहम की बीमारी हो जाती है और वहम वहम में ही वो अपने दुश्मनों को मार देती है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने इन्हें मारा है। काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक्शन है, थ्रिल है, कॉमेडी, सब मिक्स फिल्म है। फिल्म का नाम अभी रखा नहीं है, दो चार दिन में रख लेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो मीडिया को कब तक आप बुलाएंगे मुहूर्त में, आप बुलाएंगे कि नहीं? 12 तारीख को बुलाऊंगा सारी मीडिया को। बहुत बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशन आपकी फिल्म के लिए, और ये भी सक्सेस बहुत जाए आपकी। थैंक यू। तो कितना घर का लाभ दिन है शूट, कुछ बताना चाहिए किस तरह की फिल्म है आपकी? हाँ, ये थोड़ी अलग टाइप की मूवी है, एक राजकुमारी चंद्रमुखी, जिसके प्रोड्यूसर गौरव सिन्हा और डायरेक्टर मिस्टर सनी कपूर जी हैं। और इसमें मतलब कैसे बोलूँ कि जैसे कि इसमें आपको रोमांस भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा और सस्पेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत सारी एक साथ मिलेंगी। इसमें मेरा पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म टाइप की जो मूवीज़ होती हैं काफ़ी आ चुकी हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ आपको हटके मिलेंगी, वो आपको देखने पे पता चलेगा। इसके अलावा आपके हाल ही में एक बड़ी फिल्म आई थी, वो भी हिट हुई थी, ऐसी जानकारी है, तो उसके बारे में इस तरह की सक्सेस मिलना, क्या कॉम्प्लीमेंट मिला आपको अभी तक? नहीं, वो बहुत अच्छी मूवी बनी थी, ब्यूटी विद ब्रेन, मेरा उसमें मेन रोल था और मेरे अपोजिट में इमरान खान थे, और बहुत ही एक अच्छा रोल मुझे दिया था कि उसमें मेरी सिस्टर का मर्डर हो जाता है, उसमें इतने पावरफुल विलेंस हैं कि मुझे उनसे कैसे रिवेंज लेना है, बट एक नॉर्मल लड़की कैसे लेगी, बहुत अच्छी स्टोरी थी उसकी, और इसका इसको बहुत सक्सेस मिली है इस मूवी को। इस
फिल्म की बात करें तो कैसा रहा एक्सपीरियंस स्टार के साथ आपका? नहीं, मेरा खान, आदि रानी, शिवा सर सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं सनी कपूर जी, जिनके साथ मैंने उसमें भी काम किया ब्यूटी विद ब्रेन में और इसमें भी, तो मेन बात उनकी ये है कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं अपने आर्टिस्ट को, बहुत कंफर्टेबल होके अपने आर्टिस्ट के साथ वो काम करते हैं, जिससे हम लोगों को भी काम करने में डर नहीं लगता उनके साथ। ऐसी कोई अच्छी बात आप बताना चाहें सेट में जो मेमोरेबल रही हमेशा, सर की या आपके को-स्टार के? मेमोरेबल तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मैंने ब्यूटी विद ब्रेन में एक आध मेरा सीन था रेप सीन, तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नर्वस थी। आदि सर के साथ मेरा सीन था तो, बट लेकिन आदि सर ने मुझे इतना कंफर्टेबल किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप केवल अच्छे से सीन दो, बहुत अच्छे से मुझे समझाया, काफ़ी सारी चीज़ें थी, अच्छा लगा। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है आपकी? एक्चुअली मेरी अभी एक दो प्रोजेक्ट की और बात चल रही है, तो अभी उसकी बस मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ, उसके लिए मुझे एक्शन वगैरह सीखने हैं, तो उसकी सब मेरा काम चल रहा है अभी। थैंक यू सो मच।